गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, 11th सिलेबस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉज एंड एनवायरमेंटल इथिक्स एंड रिसोर्सेज यूजेज। द फॉरेस्ट फर्स्ट ऑफ वी डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू द दिस इज हॉर्टिकल्चर सेक्शन, तो डिस्कस अकॉर्डिंग टू द बुक्स। The forest is a unique resource which has been provided by nature to human being as a gift। मतलब क्या है हुआ कि जो वन है, फॉरेस्ट है, ये एक ही बहुत ही यूनिक रिसोर्स है और ये किसके द्वारा, नेचर, प्रकृति के द्वारा एक मनुष्य को गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है ना। इसमें एनिमल्स है, वनस्पतियां हैं और जो फॉरेस्ट का और जो ह्यूमंस का है वो रिलेशन बहुत ही एंशिएंट टाइम से है, मतलब पुराने समय से ही, लंबे पुराने समय से ही इनका बीच में एक अच्छा रिलेशन रहा है। और आगे की बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस द एफर्ट आर मेड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एनिमल, मतलब जो स्वतंत्रता थी अपने इंडिपेंडेंस से पहले ही जो वाइल्ड लाइफ थी, वन्य जीव थे, उनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे थे। इन ईच स्टेट बिसाइड रॉयल फैमिली एंड देयर गेस्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल आर रेस्ट्रिक्टेड। देखो इसमें यह था कि जब, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, राजा महाराजा थे हर राज्य के अंदर, राज्य के अंदर राजाओं का राज था। तो वहाँ पर क्या था, देखो बिसाइड रॉयल फैमिली मतलब क्या होता है, तो रॉयल फैमिली और उनके गेस्ट को छोड़कर और सभी को एनिमल्स की हंटिंग या शिकार के लिए मतलब मना था ना, कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या होते थे, उनको प्रिजर्वेशन मिलता था, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको प्रिजर्वेशन मिलता था। इसके बाद क्या, आफ्टर जो इंडिपेंडेंस था उसके बाद दो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपना संविधान बना। संविधान के अंदर आर्टिकल्स आए, आर्टिकल्स के अंदर एक आर्टिकल आता है 48A। 48A आर्टिकल्स के अंदर क्या है, जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए और वाइल्ड एनिमल और जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा गया है। उसके बाद आर्टिकल्स 51A, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन दैट विल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटरफेस किया गया है सिटीजन्स का, मतलब रिक्वायरमेंट लोगों को, लोगों से ये गवर्नमेंट ने या लोगों को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया है कि आप फॉरेस्ट को, नदियों को, तालाबों को, झरनों को और वाइल्ड एनिमल को आप, और जो फ्लोरा है और फौना है उनको आप संरक्षित कीजिए, मतलब लोगों की भूमिकाओं को इसमें एक योगदान के रूप में इस पर आर्टिकल्स के अंदर माना है कि आप लोगों, लोग आगे आए ताकि इनको संरक्षण मिले। इसके बाद क्या, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, सिविलाइजेशन बढ़ा है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ा, तो उससे क्या होता है, जो वन से फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ और इससे क्या होता है, उनको नुकसान होने लगा। इसके लिए क्या हुआ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉज बनाए गए गवर्नमेंट ने। इसमें जो फॉरेस्ट लॉ आता है, जो पहला जो लॉ आता है वो देखिए कौन सा, इंडियन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब ये इंडिपेंडेंस से पहले क्या बना हुआ। और इस लॉ के अंदर क्या, कुछ एक्टिविटीज़ थी वो रेस्ट्रिक्टेड की गई थी, कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इन सेक्शन 5 जो इसके एक्ट है, उसका 1927 जो एक्ट है, इसके जो सेक्शन है उसमें इसका कट करना और रिमूव करना फॉरेस्ट को, इसके लिए प्रोहिबिटेड था। फायर इन फॉरेस्ट और लेफ्ट फायर, मतलब जंगल में आग लगाना या आग को लगे हुए रहने देना, तो ये एक अपराध है इसमें के अनुसार। टू ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराना, पशुओं को चराना ना, कटिंग डाउन ए ट्री एंड हार्मिंग द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पर्निंग, ये पर्निंग है ना, पर्मिंग नहीं है, पर्निंग है ना, आया नहीं है। पर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि, मतलब इसको जो कटाई करना, जो टाइनियाँ होती हैं उनको कटाई करना, बर्निंग ऑफ ट्री, स्क्रैपिंग ऑफ इट्स बार्क, प्लकिंग लीव्स एंड हार्म एनी वेज, मतलब किसी तरीके से भी वन्य जो फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ उनको नुकसान पहुँचाना, इसके अंदर आता है, एक्ट के अंदर सजा का प्रावधान है उनको, है ना। माइनिंग ऑफ स्टोन, बर्निंग ऑफ वुड रॉक्स है ना, स्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट फील्ड, यदि किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई स्टोर करते हैं फॉरेस्ट संबंधित थिंग्स, उसके लिए भी ये एक प्रोबिशन है या प्रोबिटेड है या ये एक अपराध है।
सेमेसिंग और क्लियरिंग लैंड एग्रीकल्चर वो एनी अदर एक्टिविटी, मतलब जो लैंड है एग्रीकल्चर की लैंड है उसको किसी तरीके से मतलब क्लियर करना, चाहे एग्रीकल्चर के लिए कलर क्लियर करना या कोई इंडस्ट्री के लिए क्लियर करना, ये भी इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। हंटिंग, फायरिंग, फिशिंग, टॉक्सिकेशन ऑफ वाटर, ड्रैगिंग ऑफ बर्ड्स एंड गोइंग अगेंस्ट टू लॉ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किलिंग ऑफ एलिमेंट, देर इज रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनका भी ट्रेड करना भी रेस्ट्रिक्टेड। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बने थे उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, ये जो एक्टिविटीज है ये रेस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1927। आफ्टर इट द नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, दिस एक्ट वॉज इन फोर्स 25 अक्टूबर 1980, दिस इफेक्टिव इन इंटायर इंडिया, कि पूरे भारत में लागू हुआ। इसके बाद इसके क्या थे एम्स, क्या थे इस एक्ट के, टू स्टॉप एनवायरनमेंट इम्बेलेंस बाय डिस्ट्रॉइंग द कटिंग द फॉरेस्ट, जो एनवायरनमेंट का इम्बेलेंस हो रहा है डिस्ट्रॉय करके कटिंग करके फॉरेस्ट को उसको रोकना है ना। देयर इज ए परमिशन टू गवर्नमेंट टू डिक्लेयरिंग अप अनप्रोटेक्टेड एरिया टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एरिया है ना। मतलब गवर्नमेंट की देर इज ए परमिशन टू गवर्नमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अनप्रोटेक्टेड एरिया, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया है जो फॉरेस्ट है उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया उसको यदि अनप्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। प्री परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर यूजिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर द एक्टिविटीज। नेशनल नेक्स्ट जो थर्ड जो एक्ट आता है नेशनल फॉरेस्ट एक्ट, ये 1988 है ना, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है ये 1988 है यहाँ पे है ना, ये 1988 है विथ इज एमेंडेड 1980, जो 1980 का ही जो सुधारा हुआ रूप है ना, संशोधित रूप है। एमेंडेंट का मतलब था संशोधन, इसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया था, उसके अंदर कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं जो 1980 वाला जो था उसके अंदर, ये कुछ पॉइंट दो पॉइंट और जोड़े गए हैं उसको, और नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988 बना दिया गया है। टू एम ऑफ दिस एक्ट, इसके एम क्या है, सस्टेन एनवायरमेंटल बैलेंस है ना, एनवायरमेंटल बैलेंस स्टेबलाइज करना, टू सबसिस्ट स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना या स्टेबल करना। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल इकोसिस्टम एक्ट 1994। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल टू प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, इसके अंदर इस एक्ट के अनुसार क्या है कि जो ये फोर्थ एक्ट है 1994 के अंदर आया, तो इसके अंदर जो पीपल्स की पार्टिसिपेंट को इसमें इंक्रीज किया गया है, शामिल किया गया है ताकि वो लोकल लेवल पर वहाँ पर मैनेजमेंट कर सके, क्योंकि वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्टिविटी के अंदर, उसको प्रिजर्व करने की एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद आता है कि वाइल्ड लाइफ लॉ कौन कौन से, इंडियन राजस्थान गवर्नमेंट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स सम एक्ट और लॉज आर पास दीज आर, फर्स्ट लॉ इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द एक्ट वाज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एंड प्लांट्स, द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड फ्रॉम 9 सितंबर 1972, कब आया है फोर्स के अंदर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 9 सितंबर 1972 के अंदर पारित हुआ था। इट विल इफेक्टिव इन ऑल स्टेट है ना, जितने भी स्टेट थे उनमें इफेक्टिव हुआ, और ये जो मेन फोर्सफुली सारे स्टेटों में जा लागू हुआ ये कब हुआ था, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर फोर्सफुली एक्ट हुआ, इन्फोर्स हुआ। इसके बाद इस एक्ट के जो मुख्य बिंदु थे, इस एक्ट के जो मुख्य पॉइंट्स थे वो कौन कौन से, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है ना, वाइल्ड एनिमल्स है और जो बर्ड्स है उनकी हंटिंग को प्रोहिबिट की, स्टेबलाइज नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड गार्डनर्स, जितने भी सेंचुरीज जो गार्डनर्स थे वो इसी एक्ट के अंडर स्टेबलाइज हुए थे। टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट एडवाइजरी टू एडवाइस टू स्टेट, मतलब एक बोर्ड बनाना, एक मैनेजमेंट बॉडी बनाना तो एडवाइस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को है ना। रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल्स के जो पार्ट्स है उनको रेगुलेट करने के लिए है ना, एक रेगुलेशन कमेटी बनाना।
टू सेटअप द फाइन 4% हु गेव अगेंस्ट द एक्ट, जो यदि इसके एक्ट का जो फॉलो नहीं किया तो उसके लिए फाइन तैयार करना, है ना, टू प्रिवेंट द कंट्रोल द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट ओ स्पेशल प्लांट, कमीशनिंग वर्कर एंड ऑफिसर ऑफ जू फॉर कंट्रोल द बाइंडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जू, जो वर्कर्स है और ऑफिसर्स है जू के उनको अथॉरिटी या अधिकार होना और वो बाइंडिंग जो रिप्रोडक्शन है जू के अंदर उसको बढ़ाए ताकि उनकी संख्या बढ़े, जो एग्जिस्टेंट जो है या जो संकटग्रस्त जो जीव है उनकी वेनरेबल जो एनिमल्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़े। इसके लिए जो एक्ट का यदि इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या है इम्प्रिजमेंट भी दे रखा है और पेनल्टी भी है। तो पेनल्टी है वो जो कितनी है और इम्प्रिजमेंट कितना है, तो इम्प्रिजमेंट तो है 6 months to 7 years तक हो सकता है इसकी सज़ा है, जेल हो सकती है 6 महीने से यदि इनका इनमें से किसी का भी वो अनुपालना नहीं करता है और कोई पकड़ा जाता है ऐसा कोई कार्य करते हुए तो उसको 6 महीने से उसके अकॉर्डिंग टू उसकी जो गलती है उसके ना 7 साल तक की जेल हो सकती है, 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कुछ ज़्यादा उसका गंभीर हो है ना तो इस स्थिति में दोनों भी हो सकते हैं, बोथ टुगेदर भी हो सकता है ना। और जितने भी जो सेंचुरीज हैं वो इसी एक्ट के थ्रू हुई स्टेबलाइजमेंट हुआ है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल इथिक्स एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। एनवायरमेंट इथिक्स का मतलब होता है अपने एनवायरमेंट होती है अपनी क्या नैतिकता है। तो अपन को पता है देयर इज क्रॉस लिंक्स बिटवीन रिलीजन एंड एनवायरमेंट, अपने जो अपन बात करते हैं तो अपनी संस्कृति इस प्रकार की है कि अपना जो जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसके प्रति अपना बहुत ही गहरा और रिलीजियस संबंध है। इंडियन कल्चर आर सिविलाइजेशन इज सॉलिड प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का जो भारतीय संस्कृति है वो इसका सही मानती है क्योंकि इंडिया के अंदर सभी रिलीजियस क्या करते हैं, सभी रिलीजियस जो हैं वो इसी धारणा पे है, हाइपोथेसिस का मतलब इसी धारणा पे है कि जीवो और जीने दो, लाइव लेट एंड लाइव एंड बी अलाइव, मतलब जीवो और जीने दो। इन इंडियन बुक वेदास पुराणास उपनिषद एक्सेट्रा देयर इज प्रोविजन ऑफ वर्शिप ऑफ द सन। अपन के आपके जो जितने भी वेद हैं उनमें सब में ही अपन को सन, सूर्य, आग, वायु, पृथ्वी, इनकी सब की पूजा के बारे में लिखा हुआ है। हम उसको पूछते हैं पीपल, बनियान ट्री, बनियान ट्री, तुलसी प्लांट एक्सेप्ट यार वर्शिप कंसिडर गॉड लाइक, कल्पवृक्ष इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ लॉन्गिंग, है ना। तो जित तुलसी है वो भी अपन पूछते हैं और जो कल्पवृक्ष है उसको भी अपन क्या होते हैं लंबी आयु का और इसके अच्छा सिंबल मानते हैं उसका, है ना, अच्छे जीवन का। और कल्चर इज फॉरेस्ट बेस्ड है और उपनिषद वर रिटन इन फॉरेस्ट, जितने भी अपने जो कल्चर है जो वन पे निर्भर है और जितने भी उपनिषद जितने भी शास्त्र जो लिखे गए हैं वो जंगल में लिखेंगे। द हिमेल वाज प्लेस ऑफ योगी एंड हर्मिट्स, जो अपने हिमालय है वहाँ पर आपको पता है जंगल है, जंगलों के अंदर योगी और जो हर्मिट साधु होते हैं वो पाए जाते हैं फिर वहाँ पर तपस्या करते हैं। बिसाइड द मेनी एनिमेट एग्जाम्पल अजंता एलोरा एंड आल्सो इन द फॉरेस्ट, जो अपने पता ही अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जो अपन ना वोमेंस वर्शिप वर ट्रीज और डिफरेंट ओकेशन विच आर डिफरेंट मेनी प्लेसेस एन एफर्ट मेड प्रोटेक्शन ऑफ दीज ट्रीज सच एज बनियान पीपल केजरी थ्रू द रिलीजियस और तुलसी प्लांट सीम टू इंट्रोड्यूस एम द इन्वायरमेंटल फ्रेशनेस। जितने भी हैं इनको अपन धार्मिक चीज़ों से जोड़ दिया गया है तो क्या होता है कि इनके प्रिजर्वेशन को मिलता है और साथ साथ में क्या होता है इनसे क्या होता है अपना जो पर्यावरण होता है वो भी जो होता है साफ सुथरा हो जाता है। वेरियस एनिमल्स आर एक्सेप्टेड बाय द व्हीकल्स ऑफ द गॉड्स एंड गॉडनेस, अपनों को पता है बहुत सारे जो जीव है वो अपने व्हीकल्स मानते हैं, है ना, देवी देवताओं को, जैसे कौन कौन से कार्तिकेय का जो व्हीकल्स के पिकॉक है जो एक पक्षी है, भैरव का कुत्ता है, शंकर जी का नंदी है, दुर्गा जी का लॉयन है, लक्ष्मी जी का आउल है, गणेश जी का चूहा है, विष्णु जी का गरुड़ है, अर्थ का शेषनाग है, सरस्वती जी का हंस है, एंड द एलिफेंट इट सेल्फ सिंबल ऑफ गॉड गणेश, भगवान गणेश का रूप है हाथी। आल हैव इम्पोर्टेंस, ऑल द एनिमल्स ऑफ इथिकली वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का इनका विशेष महत्व है। द प्रोटेक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल एंड डायरेक्शन ऑफ द इवोल्यूशन, इनका प्रकृति के लिए और जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थिति है
इकोसिस्टम, उसके लिए भी इनका प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर जो है अपने धर्म के अंदर से नदियाँ हैं, उनको भी अपन देवी देवता के रूप में मानते हैं, है ना, देवियों मानते हैं। मेटेरियल सेल्फिश पीपल जो होते हैं, आजकल जो सेल्फिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर जो वेस्टेज और इंडस्ट्रियलाइज जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके अंदर डिस्चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है इनके जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। सीवेज रिवर पोंड और वर्कर सी इथिकल गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपन। द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर कंसिडर हैबिटेट एंड डिविनिटी एंड द वर्शिप बाय द पीपल। ट्री प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर। जैसे अपने पता है भारतीय कल्चर में और भारतीय जो रहन सहन है उसके अंदर, भारतीय रहन सहन के अंदर जो ट्री है उसको बहुत ही पवित्र और माना गया है, पूजा जाता है। और अपन इसकी कैसे से सर्दियों के अंदर, तो सर्दियों के अंदर ठंड से और गर्मियों के अंदर जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसकी तरह उस उसके अपन जो पेरेंट्स की तरफ जो पेरेंट्स एक बच्चे की रक्षा करता है, उसी प्रकार से अपन पेड़ों की रक्षा करते हैं, है ना। पीपल मेनिया बनाना एंड तुलसी आर वर्शिप डे गॉड, इनको सबको अपन पूछते हैं। देर इज ग्लोरी ऑफ बिलपत्र, बिलपत्र को अपन पता है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। नीम को अपन क्या है, सर्व है रोग हरो नीम, ये करके अपन प्रणाम करते हैं नीम को। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू पल्क हेव फ्रॉम द एनी ट्री इवनिंग टाइम। अपन को पता है कि रात को समय में अपन किसी भी पेड़ की पत्ती तक नहीं तोड़ते हैं, है ना। कटिंग ऑफ ग्रीन ट्री कंसिडर एज ऑफेंसेस, और हरा पेड़ काटना बहुत ही बड़ा वो ऑफेंसेस या पाप माना जाता है ना। द कदम ट्री वॉज प्रोटीस एंड बेंडिक अप टू द मेड 19th to 20th century। जो कदम का पेड़ है उसी को अपन बहुत ही जो है सम्मानीय मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं, और अपन इसको नतमस्तक प्रणाम करते हैं। द पीपुल वर स्टॉप्ड गिल्टी हु कट द ट्रीज। इन रिटर्न इट हैज रिटर्न इन मत्स्य पुराण। देखो ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई यहाँ पे, इसको ध्यान देना कि जो मत्स्य पुराण जो शास्त्र है अपना उसके अंदर क्या बात बताई गई है कि 10 wells आर इक्वल टू 1 pond, मतलब 10 कुएं हैं वो एक तालाब के बराबर है। 10 spores आर इक्वल टू 1 lake, जो 10 तालाब है वो एक झील के बराबर। 10 lakes आर इक्वल टू 1 sun, जो 10 झीलें हैं वो एक पुत्र के समान है। एंड 10 sons आर इक्वल टू 1 tree, और 10 पुत्र एक पेड़ के समान है, मतलब पेड़ की बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है इसमें मत्स्य पुराण के अंदर। इन आर्यंस ऑलवेज वर्शिप नेचुरल इन ब्राह्मिन पीरियड। ड्रेविडियंस कंसिडर पुष्प चंदन एज स्केड एंड देव आर इजिप्शियन दैट पॉपुलेशन गेव स्टॉप बाय हवन। जो आर्यंस थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, और ड्रेविडियंस जो थे वो क्या करते थे, चंदन है ना उसको एक बहुत ही सेंटेड, और इसके लिए क्या हवंस के अंदर यूज करते थे। इससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है वो शुद्ध होता है ना, और पोल्यूशन को हवंस के द्वारा रोका जाता है। आर्यंस एक्सेप्टेड यजना सिस्टम, दस टूडे हिंदू पीपल वर्शिप ट्री वाटर एयर एंड फायर ट्रेडिशनली। अपन को पता ही है हिंदू सिस्टम के अंदर और ये पूजा जाता है। द मिस यूज ऑफ नेचर कॉज एनवायरमेंट पॉपुलेशन एंड पर्सनल डेंजर विल बी स्ट्रॉन्ग बॉ द ह्यूमन। अब क्या कर रहे हैं, जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका मिसयूज कर रहे हैं। वाटर लैंड स्काई फायर एयर ऑल विल पोल्यूटेड ड्यू टू एक्सप्लोशन ऑफ बम लीकेज ऑफ गैसेज कटिंग डाउन ऑफ द ट्री स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो इनकी सब की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट हो रहा है वो पोल्यूटेड हो रहा है। सोयल वाटर प्लांट्स एनिमल एक्सेट्रा आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। कंसिस्टेंट बिटवीन ऑल ऑफ दी मेक एनवायरमेंट हेल्थी एंड बैलेंस। सब इनके बीच में संतुलन रहता है तो इकोसिस्टम अच्छा रहता है, एनवायरमेंट अच्छा रहता है। बट इट इज़ रिग्रेट दैट द ह्यूमन बींग इज डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट बाय पोल्यूटिंग रिवर एंड इंटॉक्सिकेटिंग एयर। जो अपने बेनिफिट्स के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए ह्यूमन्स इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, टॉक्सिक कर रहा है, जहरीला बना रहा है हवा को। द क्यूसी पीरियडिक अटैक ऑन नेचर डिस्ट्रॉय और एनवायरमेंट, है ना। जो पीरियोडिक था जो ऋतुओं का जो था, अपन को पता है कि भाई शरद ऋतु बसंत ऋतु ये जो सीजन्स आती है, जो इनका पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इनकी टाइमिंग चेंज हो गई। आजकल कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात होती है, कभी धूप गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। मतलब एक सिस्टम नहीं रहा, जो पहले सिस्टम था कि चर महीने की जो सीजन्स थी, है ना, पीरियोडिक जो सिस्टम था वो आजकल डिस्ट्रॉय हो गया पोल्यूशन की वजह से।
टुडे द एंटायर वर्ल्ड आर अफ्रेड ऑफ इम्बेलेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एटमोसफियर इज पॉपुलेटेड, टेम्परेचर राइजिंग ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, सिक्वेंस ऑफ वेदर इज फॉलिंग। देखो बताए सिक्वेंस हो गए, द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर आर बीइंग डिस्ट्रॉय। तो क्या जो पोल्यूशन है उसकी वजह से पूरे विश्व को इसकी हानि पहुंच रही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेशन, और आपने पहले पढ़ा था जो पिछले चैप्टर में, और जो मौसम के जो ऋतुएं थी वो चेंज हो रही है, सीजन्स थी वो चेंज हो रही है, और जो वाटर के ट्रेडिशनल सोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, और डेजर्ट एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, बरसात हो नहीं रही। इस प्रकार से द एनवायरमेंट पोल्यूशन ये प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमन इटसेल्फ एंड डिलिबरेटली, मतलब क्या हुआ है, ये चेतन अचेतन अवस्था में या जो मनुष्य के द्वारा इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ह्यूमंस कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल ऑल द ड्रॉबैक ड्यू टू द एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन रिवर। तो इन सभी एक्टिविटीयों के लिए क्या होता है, मनुष्य खुद ही जिम्मेवार है, जो पर्यावरण के अंदर जितनी भी जो पोल्यूशन हो रहा है, जितने भी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उनका नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए जो जिम्मेवार है वो खुद मनुष्य है, और उसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब आता है लास्ट, इसमें आता है यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, सम पॉइंट ऑफ कन्वीनियंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या नेचुरल रिसोर्स किस प्रकार से यूज करना चाहिए वो बता रहे हैं इसमें। वी शुड बी यूज नेचुरल रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल कंडीशन, अपन को नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से ही अपन को यूज करना चाहिए, जो कम हो रहा है उसको कम यूज करना चाहिए, और इस प्रकार से यूज करना ताकि एनवायरमेंट में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी डन इन सच ए वे दैट इट कैन नॉट बी हार्मफुल टू अदर, और इस प्रकार से यूज करना चाहिए ताकि दूसरे को ये नुकसान ना हो इसकी वजह से, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी इनकी वजह से नुकसान हो, किसी दूसरे जीव को भी इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो, इस प्रकार यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज विद इन द पॉसिबिलिटी टू रिजाइन देम बाय रिसाइकलिंग, है ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्स इस प्रकार से यूज करना चाहिए ताकि उनकी वापस अपन पुनरावृत्ति कर सकें। मिनिमम यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी डन बाय विच दे कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना, तो जो मिनिमम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका इस प्रकार से यूज करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, उस हिसाब से यूज करना, लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए ताकि वो खत्म ना हो जाए। एट लास्ट वी शुड बी मेक देम द हेरिटेज फॉर आवर कमिंग जनरेशन, दस वी शुड बी यूज देम कन्वीनियंटली एंड जुडिशली, तो अपन को इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि अपन अपने जो आने वाली जो जनरेशन है ना उनके लिए भी बचा के रखें, और वो भी उसका फ़ायदा उठा सके, जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपने लिए नहीं है, जो अपनी जनरेशन है उन्हीं के लिए है, और सबके लिए ही होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन ही उसको सब खत्म करके रखे, तो जो आगे वाली जनरेशन है उसके लिए भी अपन को बचा के रखना है, जो पर्यावरण के जो सोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज है उनको, ताकि आगे पर्यावरण संतुलित रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, ये अपना जो लास्ट टॉपिक था आज 11th का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉज एंड इथिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज अपना। इसी के साथ अपना 11th का जो अपना सिलेबस बचा हुआ था वो भी आज ही हो गया है। तो अभी COVID-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से आपको समय खूब मिला हुआ है, घर पे रह के सुरक्षित रहें और घर पे रहें, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, ताकि आप जब वापस दौड़ में आए तो अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करें, तो आपको इस समय में जो पढ़ाई कर रखी है आपने उसका आपको फ़ायदा मिले, समय का सदुपयोग करें, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास अच्छी बुक अवेलेबल है, तो उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करें और अपने आप को मजबूत बनाएं ना, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।